नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नेचुरल हेल्थ टिप्स इन हिंदी में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी हेल्थ के लिए बेहद जरूरी जानकारी लेकर आई हूं। दोस्तों, आज हम आपको डिप्रेशन के बारे में बता रहे हैं, जिसके लक्षण शरीर पर दिखाई देते हैं, उनको नजरअंदाज बिल्कुल न करें। दोस्तों, डिप्रेशन हमारे जीवन में तभी होता है जब कोई वजह होती है, कोई एक वजह है या फिर अवसाद बिना किसी खास कारण के भी हो सकता है। ये धीरे धीरे घर करता जाता है। अगर कोई वजह है तो जिसकी वजह से आप परेशान रहते हैं, वही बात आपके दिमाग में चलती रहती है और आप इसके बारे में सोचते रहते हैं और आप निगेटिव होते चले जाते हैं। इससे आप निगेटिव और ज्यादा निगेटिव होते चले जाओगे। अगर आपको कोई समस्या है जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं, उसके बारे में सोच सोच कर उसको पहले अपने पेरेंट्स से शेयर जरूर करें। अगर आप मैरिड हो तो अपने हस्बैंड या वाइफ से शेयर करें, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। आप अपने अंदर का दर्द किसी के सामने शेयर करते हो तो मन हल्का होता है, बहुत सुकून मिलता है। और अगर फिर भी आपको राहत नहीं मिली तो अपने पेरेंट्स या हस्बैंड या वाइफ के साथ जाकर किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह मशवरा जरूर करें। दोस्तों, आज इस टॉपिक पर हमने आपके लिए एक छोटा सा वीडियो तैयार किया है। दोस्तों, आप अपनी हेल्थ और मोटिवेशन से संबंधित वीडियो पाने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना, जिससे कि आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, डिप्रेशन यानी अवसाद एक ऐसी समस्या है जिससे बहुत सारे लोग ग्रस्त हैं। अवसाद कई बार थोड़े समय के लिए ही रहता है, कभी यही अवसाद भयानक रूप ले लेता है। अवसाद से ग्रस्त लोगों की संख्या दुनिया भर में तेजी से बढ़ती जा रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक भारत में भी तकरीबन कई लोग अवसाद से ग्रस्त हैं। दरअसल यह एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें लोगों की सकारात्मक सोच की क्षमता धीरे धीरे प्रभावित होने लगती है। अवसाद की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब हम जीवन के हर पहलू पर नकारात्मक रूप से सोचने लगते हैं। जब यह स्थिति चरम पर पहुंच जाती है तो व्यक्ति को अपना जीवन निरुद्देश्य लगने लगता है। जब मस्तिष्क को पूरा आराम नहीं मिल पाता और उस पर हमेशा एक दबाव बना रहता है, तो समझिए कि तनाव ने आपको अपनी चपेट में ले लिया है। तनाव के कारण शरीर में कई हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जिनमें एडिलिन और कार्टिसोल प्रमुख है। लगातार तनाव की स्थिति अवसाद में बदल जाती है। अवसाद एक गंभीर स्थिति है, हालांकि यह कोई रोग नहीं है बल्कि इस बात का संकेत है कि आपका शरीर और जीवन असंतुलित हो गया है। अवसाद को मानसिक बीमारी माना जाता है, मगर इसके लक्षण आपको बाहर भी दिखाई देते हैं। डिप्रेशन के लक्षण हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं। इसमें कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनको पहचाना जा सकता है। दुनिया भर में 30 करोड़ लोग अवसाद से ग्रस्त हैं, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसी कई चीजें हैं जो आपको अवसाद से बाहर निकालने में मदद कर सकती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं अवसाद के लक्षणों के बारे में। किसी काम में मन न लगना। दोस्तों, अवसाद का सबसे प्रमुख लक्षण यही है कि व्यक्ति हर समय परेशान रहता है और उसका किसी काम में मन ही नहीं लगता। सामान्य उदासी इसमें नहीं आती, लेकिन किसी भी काम या चीज में मन न लगना, कोई रुचि न होना, किसी बात से कोई खुशी न होना, यहाँ तक कि गम का भी एहसास न होना अवसाद के लक्षण है। नकारात्मकता। अवसाद एक तरह से व्यक्ति के दिमाग को प्रभावित करता है। इसके कारण व्यक्ति हर समय नकारात्मक सोचता रहता है। जब यह स्थिति चरम पर पहुंच जाती है तो व्यक्ति को अपना जीवन निरुद्देश्य लगने लगता है। इसके अलावा हमेशा हीन भावना से ग्रस्त होना अवसाद का मुख्य लक्षण हो सकता है। नींद की कमी। दोस्तों, शारीरिक लक्षण जैसे नींद न आना या बहुत नींद आना, बीच रात को नींद खुल जाना, और यदि यह 2 सप्ताह से ज्यादा हो तो ये अवसाद के लक्षण होते हैं। अवसाद बिना किसी खास कारण के भी हो सकता है। ये धीरे धीरे घर करता जाता है और बजाय मदद की कोशिश के लोग इससे संघर्ष करते रहते हैं। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर अवसाद का ऐसा प्रकार है जिससे बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं। इस अवसाद से ग्रस्त व्यक्ति में मिश्रित लक्षण नजर आते हैं और यह अवसाद रोगी के काम करने, सोने, पढ़ने, खाने और आनंद लेने की क्षमता को प्रभावित करके कामकाज में प्रभाव डालता है। कैसे करें डिप्रेशन से बचाव। कुछ लोगों को जितना भी काम मिलता जाता है लालच में लेते जाते हैं। ज्यादा मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन अपने हाथ में काम उतना ही ले जितना आप बिना किसी तनाव में आए समय पर पूरा कर सके। अपनी क्षमता से ज्यादा ऑर्डर या काम लेने से आप काम करते वक्त तनाव में रहेंगे, जिससे आपके साथ साथ आपके घर वाले भी तनाव में रहेंगे, जिसका बुरा प्रभाव सब पर पड़ेगा और आपके काम की क्वालिटी भी खराब होगी।
जिसके चलते आपको अलग से तनाव झेलना होगा। आप चाहे जितना भी काम करें, कुछ समय के लिए मन बहलाने वाली चीजों में भी मन लगाएं। इससे आप तनाव से बचे रहेंगे, साथ ही साथ आपकी कार्य क्षमता भी बढ़ेगी। म्यूजिक सुने, फिल्म देखे, कोई खेल खेले, दोस्तों या परिवार के साथ या अपने किसी खास दोस्त के साथ गप्पे लड़ाए या कहीं घूमने जाए या किसी अन्य गतिविधि में लिप्त हो जिसमें आपका मन लगता हो। डिप्रेशन दूर करने के लिए ये ऐप भी इस्तेमाल कर सकते हो, मेडिटेशन म्यूजिक ऐप। अगर आप परेशानी चिंता महसूस कर रहे हैं तो मेडिटेशन म्यूजिक ऐप की मदद ले सकते हैं। इसकी मदद से आपको रिलैक्स होने में मदद मिलेगी। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें हाई क्वालिटी मेडिटेशन म्यूजिक व मेलोडी दी गई है। इसमें मेडिटेशन के लिए अलग अलग साउंड है, जैसे सॉफ्ट पियानो, लेक सनलाइज, हेवन साउंड, परफेक्ट रैन, नेचर फॉरेस्ट मेलोडी आदि। इससे निगेटिव फीलिंग को दूर करने में मदद मिलेगी। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। स्टॉप ब्रीथ एंड थिंक ऐप। आज की भागा भाग वाली जिंदगी में तनाव आम है। यह एक ऐसा ऐप है जो चिंता और तनाव से दूर रखने में मदद करता है। इसमें ब्रीथ यानी सांस लेने के उपाय बताए गए हैं, साथ ही यहाँ फीलिंग्स और इमोशंस के हिसाब से मेडिटेशन गाइड भी दिए गए हैं। यहाँ पर आप मेडिटेशन से पहले और बाद में अपनी इमोशंस की जांच करा सकते हैं। इसे सेल्फ फीलिंग, सेल्फ मोटिवेशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन आदि को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। यह मूड के हिसाब से मेडिटेशन उपाय भी सुझाएगा। इसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको इनसे काफी राहत मिलेगी। अगर फिर भी आपको राहत नहीं मिली तो आप अपने पेरेंट्स या अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ जाकर किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह मशवरा जरूर करें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा और कठिन परिस्थितियों से उबरने में मदद करेगा। यह प्रेरक वीडियो आपको कैसा लगा हमें अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, ताकि ऐसी वीडियो को हम समय समय पर नेचुरल हेल्थ टिप्स इन हिंदी चैनल पर अपलोड करते रहें और हम आपको हेल्थ और मोटिवेशन से संबंधित वीडियो पहुंचाते रहे। इसलिए आप इस चैनल पर सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।